आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कि जो दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं उनको क्या लाभ मिलता है और किस प्रकार की हानियां मिलती हैं। बोलती हैं मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिला है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दीदी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। यह योजना भारतवर्ष के सभी राज्यों के विकास खंडों में चलाई जा रही है। सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि गांव की गरीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी गरीबी से बाहर निकल सकें, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बन सकें। तो सरकार का यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारतवर्ष के सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। स्वयं सहायता समूह से क्या लाभ मिलता है? स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को बहुत लाभ मिलता है। समूह से जुड़कर महिलाएं अपनी गरीबी से बाहर निकल रही हैं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन रही हैं, इनका बौद्धिक विकास हो रहा है। इन महिलाएं निडर हो करके अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रख सकती हैं, कह सकती हैं, मंच पर खड़े होकर के अपनी बातों को सभी के सामने कह सकती हैं। स्वयं सहायता समूह का बैंक में बचत खाता खुल रहा है। समूह के बचत खाते में समूह की दीदियां अपना बचत का रुपया जमा कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर निकासी कर रही हैं। इनके समूह के बचत खाते में सरकार रोजगार करने के लिए आर्थिक रूप से फंड भी दे रही है। जब इनके समूह का बैंक में खाता खुल जाता है, पासबुक मिल जाता है, तो सरकार समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, इनको अपनी गरीबी से बाहर निकालने के लिए, रोजगार करने के लिए इनको सरकार जो है इनके समूह में फंड देती है, यानी पैसा देती है। पहला लाभ जो मिलता है आर्थिक रूप से इनको मिलता है 2500 रुपया स्टार्टअप फंड। उसके बाद आरएफ मिलता है 15,000, जो कि एक अनुदान के रूप में यह राशि सरकार देती है। उसके बाद इनके समूह को सीआईएफ सामुदायिक निवेश निधि सरकार के द्वारा आती है 1,10,000 रुपया। इस पर ब्याज दर बहुत कम है, 1% ब्याज है मासिक दर के हिसाब से। उसके बाद इनका समूह जब पंचसूत्र का पालन करता है तो सरकार इनके समूह का जो है सीसीएल करवा देती है। 5,00,000 का सीसीएल बैंक के द्वारा किया आता है। इस पे ब्याज बहुत कम है, ब्याज जो है इस पे 7% वार्षिक रहता है। यदि ये लोग सीसीएल के पैसे की वापसी समय से करती हैं बैंक में तो इसमें कुछ छूट भी रहता है। तो इतने सारे फंड जो है सरकार समूह में दे रही है। समूह से पैसा लेकर के समूह की दीदियां जो है रोजगार कर रही हैं। देखिए दीदी, कितना कम ब्याज है समूह में। सबसे पहले तो यही एक लाभ है, बहुत कम ब्याज है। 1 रुपया सैकड़ा मासिक दर के हिसाब से आपको पैसा मिल जा रहा है स्वयं सहायता समूह में रोजगार करने के लिए। यदि आप स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं, आपको रोजगार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, यदि आप बैंक से भी कर्ज लेंगी बिजनेस वगैरह करने के लिए, तो आपको 12% वार्षिक लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप साहूकार के यहाँ से कर्ज लेंगी तो 10 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा, उसमें आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा, मूलधन भी आपको नहीं मिलेगा, सारा कुछ वापस कर देना पड़ेगा। और इसमें जो है यदि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, स्वयं सहायता समूह से आप कर्ज ले रही हैं, तो आपको 1% मासिक दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ब्याज आपके समूह का है, सरकार जो फंड दे रही है वो आपके समूह में ही रहेगा। जब तक आप लोग समूह चलाएंगे तब तक ये सारे फंड आपके समूह में ही रहेंगे। और इस फंड से आप लोग जितना लेन देन करेंगे, जितना बेनिफिट होगा ब्याज का, वो सारा पैसा आपका है। आपके समूह में 10-12 सदस्य हैं तो 10-12 सदस्य के बीच में यह जो है ब्याज का पैसा बराबर बटेगा। यदि आप बाहर से पैसा लेती हैं, साहूकार के हाथ से लेती हैं, तो ज्यादा ब्याज पे मिलेगा और ना तो आपको उसका ब्याज मिलेगा ना तो मूलधन मिलेगा। यदि आप समूह
बैंकों से लेती हैं तो ब्याज मूलधन सब कुछ आप ही लोगों का है, तो ये फायदा नहीं है दीदी, बहुत ही अच्छा फायदा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने स्वयं सहायता समूह का गठन करवा रही है सभी गाँव में, ताकि गाँव की गरीब दीदियाँ साहूकार के कर्ज से जो है छुटकारा ले सके और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जो है कम ब्याज पे पैसा लेकर के रोजगार कर सकें। इसके अलावा सरकार समूहों को अन्य लाभ भी दे रहा है समूह के दीदियों को रोजगार के प्रति प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जैसे मोमबत्ती बनाने का कार्य, अगरबत्ती बनाने का कार्य, अचार पापड़ नल्ला बनाने का कार्य, गुलाल बनाने का कार्य, चप्पल बनाने का कार्य, दूध की डेयरी, जूट बैग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मशरूम की खेती, नर्सरी, दोना पत्तल कैसे बनाया जाता है, सौर ऊर्जा बत्ती कैसे बनाई जाती है, पशुपालन इत्यादि के प्रति समूह की दीदियों को जो है प्रशिक्षण सरकार दे रही है और समूह की दीदियां प्रशिक्षण लेकर के रोजगार कर रही हैं। और रोजगार करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है तो सरकार इनके समूहों का CCL करवा रही है बैंक के माध्यम से और स्वयं अपने यहाँ से भी इनको जो है फंड दे रही है, 1% ब्याज के दर से दे रही है और समूह की दीदियां पैसा लेकर के रोजगार कर रही हैं और इनको इससे अच्छा खासा लाभ भी मिल रहा है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह में नौकरी से संबंधित लाभ मिल रहे हैं, जैसे जो दीदियां पढ़ी लिखी हैं समूह के सदस्यों को नौकरी दी जाती है, स्वयं सहायता समूह में समूह सखी की नौकरी मिल रही है, बैंक सखी की नौकरी, आजीविका सखी की नौकरी, विद्युत सखी की नौकरी, पशु सखी की नौकरी, BC सखी की नौकरी, ICRP की नौकरी, IPRP की नौकरी, ICRP FNHW की नौकरी, FLCRP की नौकरी, समूह बुक कीपर की नौकरी, VO बुक कीपर की नौकरी, CLFBK की नौकरी। और यहाँ तक देखिए सरकार जो है स्वयं सहायता समूह को अन्य विभागों से भी जोड़ दिया है, कोटे की दुकान यानी राशन की दुकान भी जो है अब स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा है, ड्राई राशन का वितरण समूहों के माध्यम से किया जा रहा है, समूहों को मनरेगा विभाग से भी जोड़ दिया गया है, मनरेगा मेट की नौकरी, जो भी दीदियां गरीब हैं उनका मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं बन पाया है, यदि दीदियां समूह में जुड़ी हैं तो उनको प्रथम वरीयता दी जा रही है, उनका मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाया जा रहा है। तो समूह की योग्य दीदियां यह नौकरी कर रही हैं और इनको लाभ भी मिल रहा है और सरकार मानदेय भी दे रही है। देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद समूह की महिलाओं को निम्न लाभ मिलते हैं जैसा कि हमने बताया, और स्वयं सहायता समूह गठन के बाद समूह की गरीब महिलाओं में बचत की आदत विकसित होती है। स्वयं सहायता समूह से आपातकालीन उपयोगिता एवं रोजगार हेतु आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। स्वयं सहायता समूह से विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन एवं सहायता प्राप्त होना, जब दीदी समूह से जुड़ जाती है तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, जिससे महिलाएं स्वयं किसी आपदा एवं संकट ग्रस्त होने पर समूह से धन जुटा पाने में सक्षम होना, समूह से जुड़ी हुई महिलाओं का राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समय समय पर अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाता है, समूह से जुड़कर दीदियां एकजुट रहती हैं और एकत्रित रहती हैं, क्योंकि दीदी एकता में ही बल है, और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं, जैसे नशाखोरी, शराबबंदी, लिंग भेदभाव, भ्रूण हत्या, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान इत्यादि के कार्यों में अपना जो है एकजुट रहकर अपना योगदान दे रही हैं, सबको जो है जागरूक कर रही हैं। तो यही सारे लाभ जो है दीदी स्वयं सहायता समूह में जब आप सब जुड़ जाएंगे तो आप सबको मिलेगा। तो ये है दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आपको क्या लाभ मिलेगा। अब दीदी हम आप सबको बताते हैं स्वयं सहायता समूह से होने वाली हानियां, जो दीदी समूह से जुड़ती हैं उनको किस प्रकार की हानियां भी मिलती है। तो देखिए दीदी, लाभ हानि हर क्षेत्र में होती है, तो इसमें भी कुछ हानियां हैं हम आप सबको बताते हैं। बहुत सी दीदियां समूह में पंच सूत्रा का पालन नहीं करती हैं। पंच सूत्रा बोले तो नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित
आंतरिक ऋण वितरण, नियमित समय से कर्ज की वापसी और नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। यदि समूह की दीदियां ये पंचसूत्र का पालन अपने समूह में नहीं करती हैं तो उनके समूह को हानि ही मिलती है, उनका समूह निष्क्रिय हो जाता है और महिलाओं को जो है हानि होती है। जैसे समय से बैठक में नहीं आती हैं समूह की दीदियां, समय से बचत नहीं जमा करती हैं, समय से ऋण का वितरण नहीं करती हैं। जैसे जो दीदियां जब समय से बैठक में नहीं आएंगी, बचत नहीं जमा करेंगी तो ऋण का वितरण नहीं कर पाएंगी। उसके बाद सदस्य पैसा मांग रही हैं, उनको समय से पैसा नहीं मिल पाएगा। जो दीदी समूह से कर्ज लेती हैं और समय से किस्त के हिसाब से समय पर जमा नहीं करती हैं, जब समय से समूह में ब्याज मूलधन की वापसी नहीं करती हैं तो ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्याज मूलधन बराबर हो जाएगा। दीदी जैसा कि आप सब जानती हैं 1% मासिक ब्याज के दर से आपको कर्ज मिलता है और आप जब समय से नहीं जमा करेंगी तो इसका वार्षिक प्रतिशत जो होता है 12% हो जाता है और समूह में हानियां होने लगती हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है, दीदी जमा नहीं कर पाती हैं, समूह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। जब आप लोग समय से समूह के रजिस्टर का लेखांकन नहीं करेंगे तो आपके समूह को लाभ नहीं मिलेगा। महिलाएं समूह तो बना लेती हैं, समूह के बैठक में नहीं आ रही हैं। जब दीदी समूह के बैठक में नहीं जाएंगी या ब्लॉक पर की कोई मीटिंग वगैरह होती है वहाँ पर बुलाया जाता है, जैसे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को नहीं जाती हैं या पंचायत स्तर पर कोई मीटिंग होती है वहाँ पर नहीं जाती हैं, जब वो मीटिंग में जाएंगी तभी तो उनको जानकारी मिलेगी, तभी उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और उनके समूहों को लाभ मिलेगा, तभी वो बाहर की जानकारी जान पाएंगी, समझ पाएंगी, तभी आगे बढ़ सकेंगी। देखिए दीदी, समूह में जब किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो जाती है तो दीदियां समूह का संचालन भी नहीं करती हैं तो उनके समूह को हानि होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब समूह में कोई समस्या आती है तो समूह के सभी सदस्य आपस में बैठक करके उस समस्या का समाधान आपस में कर सकते हैं। जब दीदियां समूह के समस्या का समाधान आपस में मिलकर एकजुट होकर नहीं करती हैं तो उनके समूह को हानि होती है और उनका समूह निष्क्रिय हो जाता है। और देखिए जैसे कि समूह में बहुत सी दीदियों को नौकरी भी दी गई है, जैसे समूह सखी, बीसी सखी, बैंक सखी, आजीविका सखी, आईसीआरपी, आईपीआरपी, इनको नौकरी दी गई है और इनका जो है मानदेय भी, कार्य आधारित मानदेय भी दिया गया है। और दीदी बहुत सी दीदियां सोचती हैं हमको मानदेय हर महीना नहीं मिल पाता है तो उनको भी हानियां होती है, उनको भी दुख होता है। दुख तो होगा ही क्योंकि दीदी हम आप सबको बता दें एनआरएलएम योजना जो है ये पूरी तरह से सरकारी भी नहीं है, जान लीजिए। इसमें आप जो नौकरी कर रही हैं ये आपकी नौकरी सरकारी नहीं है और आपको कैडर के रूप में रखा गया है, आपको कुछ कार्य दिया जाता है, कार्य के आधार पे ही आपको मानदेय दिया जाता है। इसका एक लंबा प्रोसेस चलता है, फाइल वगैरह लेट से पहुंचती है, इसीलिए मानदेय देने में दिक्कत होती है, विलंब होता है, लेकिन आपको मानदेय मिलेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सारा कुछ पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। अब ब्लॉक से सूचना यही आ रही है कि अब सबके मानदेय का भुगतान समय से किया जाएगा। मानदेय तो हमारे यहाँ मिल रहा है सभी को, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा लेट मिल रहा है, 6 महीने 1 साल लेट मिल रहा है। लेकिन अब ब्लॉक के बीएमएम बोल रहे हैं अब सारा कुछ ऑनलाइन अपलोड हो रहा है, अब आप सबके मानदेय में विलंब नहीं होगा। तो यही है दीदी स्वयं सहायता समूह की हानियां, और जब आप अपने समूह में पंचसूत्र का पालन करेंगे तो आपके समूह को फायदा ही फायदा होगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। और बहुत सी दीदियां सोचती हैं हम समूह बना लिए हैं फंस गए हैं हमको कोई लाभ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है दीदी, समूह बनाने के बाद कोई फंसता वस्ता नहीं है, समूह से समृद्धि की ओर बढ़ना है। समूह में 10 से 12 दीदियां मिलकर समूह बनाती हैं, समूह में अपना पैसा जमा करती हैं बचत का, और सारा कुछ तो हमने बताया ही है। और सबको नौकरी नहीं मिल जाएगी, इसमें कुछ कैडर्स निकाले जाते हैं और सबको नौकरी नहीं मिल जाएगी, समूह का यही उद्देश्य है।
सरकार आपके समूह में फंड देगी, पैसा देगी, आप पैसा ले करके आप रोजगार करिए, और जो रोजगार करना चाहती हैं आपको उसके प्रति प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि दीदी समूह से जुड़े और पैसा ले करके छोटा मोटा रोजगार करे, यही इसका मेन उद्देश्य है। और मार्केटिंग अब सरकार स्वयं इसकी भी सुविधा मुहैया करवा रही है। और इसमें दीदी हम आप सबको बता दें, सरकार हर साल बजट पास करती है, तो इस बजट में सरकार जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग को जो है 1,000 करोड़ रुपए सरकार बजट पास करती है, तो किसके लिए पास कर रही है? हम दीदियों के लिए, गरीब दीदियों के लिए, ताकि इस पैसे से महिलाएं पैसा लेकर के रोजगार कर सकें और अपनी गरीबी से बाहर निकल सकें। हम तो यही चाहते हैं दीदी, सरकार की ये जो योजना है स्वयं सहायता समूह का गठन करवा रही है सभी ग्राम पंचायत में, आप ज्यादा से ज्यादा इस समूह में जुड़ें और अपनी गरीबी से बाहर निकलें, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बनें। वीडियो हमारा पसंद आया हो दीदी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।